गांव गांव ने ठाना है कोरोना को भगाना है, गांव गांव ने ठाना है कोरोना को भगाना है। ग्राम पंचायत मलहत से, ग्राम वेलावारी से, वार्ड संख्या 6 से वार्ड सदस्य रीता देवी आप लोगों से निवेदन करती है कि 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन नियमों एवं जनता कर्फ्यू नियमों का पालन करें एवं अपने अपने घरों में रहें। ग्राम पंचायत मलहत के वार्ड संख्या 6 के वार्ड सदस्य रीता देवी आप लोगों से निवेदन करती है, हाथ जोड़कर विनती करती है कि भारत सरकार के नियम जनहित में जारी जनता कर्फ्यू एवं लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना करें। 14 अप्रैल 2020 तक अपने अपने घरों में रहें। किसी प्रकार की समस्या का समाधान हेतु 6299-01-06-95 पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 6299-01-06-95। कोरोना से डरो ना, कोरोना से डरो ना, कोरोना से डरो ना, कोरोना। आप अपने सदैव अपने बच्चों अपने परिवार के साथ अपने अपने घरों में रहें। कोरोना कोई रोड पर ना निकले, यानी 14 अप्रैल 2020 तक कोई भी भाई बहन बूढ़े नौजवान साथी बच्चे माई दादी कोई भी रोड पर ना निकलें। कम से कम 2 से 3 घंटे में अपने हाथों को डिटॉल साबुन से हाथ धोएं। अनावश्यक एक साथ 4 व्यक्ति एक स्थान पर ना रहें। अगर किसी परिस्थिति में रहना है तो कम से कम 1 या 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। कोरोना से डरो ना, कोरोना से डरो ना, हर 10 मिनट में हाथ अपना धो ना, कोरोना से डरो ना, कोरोना। सामाजिक समारोह जैसे जन्मोत्सव या शादी कार्यक्रम, मृत्यु भोज इत्यादि सामाजिक सामूहिक रूप से भोज का आयोजन न करें। सरकार के नियम के आलोक में सभी को अपने अपने घर से बाहर ना निकलें। तेज बुखार ज्यादा खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ होती है तो चिकित्सीय उपचार कराएं या पंचायत स्तर पर प्रशासन एवं जिला प्रशासन से संपर्क करें। निवेदक रीता देवी वार्ड सदस्य वार्ड संख्या 6 ग्राम पंचायत मलहर। आप सभी ग्रामवासियों पंचायत वासियों से नम्र निवेदन करती है कि 14 अप्रैल 2020 तक अपने अपने घरों से ना निकलें। जोड़ के खुशी से हाथ ना मिलाना अपना भूल के किसी। गंदे हाथों से आंख नाक या मुंह न छुएं, गले न लगें और न ही हाथ मिलाएं। सार्वजनिक जगहों पर न थूकें, डॉक्टर की सलाह के बिना दवा नहीं लें। इस्तेमाल किए हुए नैपकिन टिश्यू पेपर खुले में न फेंकें। फ्लू वायरस से दूषित सतहों को नहीं छुएं। सर्दी खांसी जुकाम एवं बुखार से पीड़ित व्यक्तियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं। हर संभव प्रयास स्थिति में भीड़ भाड़ से दूर रहें। सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल होने से बचें। खांसते छींकते समय नाक मुंह को तौलिया रुमाल या टिश्यू पेपर से अवश्य ढकें। नियमित रूप से हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन एवं पानी से धोएं। तेज बुखार खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ हो तो अविलंब चिकित्सक से संपर्क करें। आपकी सेवा में सदैव तत्पर वार्ड सदस्य रीता देवी व
वार्ड संख्या 6 ग्राम पंचायत मलहद। आप सभी पंचायतवासी भाई बहनों नौजवान साथियों से नम्र निवेदन है कि 14 अप्रैल 2020 तक अपने अपने घरों से ना निकलें। ग्राम पंचायत मलहद से ग्राम वेलावारी से वार्ड संख्या 6 से वार्ड सदस्य रीता देवी आप लोगों से निवेदन करती है कि 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन नियमों एवं जनता कर्फ्यू नियमों का पालन करें एवं अपने अपने घरों में रहें। देश के सभी नागरिकों के लिए वो सारी बातें मैं दोहरा रहा और मैं कहता हूँ कि आप भी याद रखिए और हर स्कूल में कॉलेज में सब जगह पे बताइए। देखिए क्या करना है, एक तो हमें बिना जरूरत के कहीं इकट्ठा होने से बचना होगा और दूसरा हमें बार बार जितना हो सके अपने हाथ धोते रहना चाहिए और बराबर सफाई करनी चाहिए। अपने चेहरे को, अपने नाक और अपने मुंह को बार बार छूने की हमारी जो आदत है अब थोड़ा उस आदत को बदलना होगा। जितना हो सके इस आदत को हमें कंट्रोल करना है और धुले हुए हाथों से ही अपने मुंह को टच करना चाहिए। जानकारों का कहना ये है कि ये खांसते या छींकते समय जो छींटे निकलते हैं सांस के साथ ऐसे छोटे 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 बिंदु निकलते दिखते भी नहीं, उसमें जो भी संपर्क में आता है उसे ये फैलता है। ऐसे में जिस भी चीज पर ये छींटे गिरते हैं उसमें ये वायरस कई दिनों तक जीवित रह सकता है। इसलिए बार बार साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। एक और आदत हमें जरूर डालनी है, अगर खांसी और छींक हमें आती है तो कोशिश यही करनी है कि दूसरों पर इसके छींटे न पड़े और जो कपड़ा या रुमाल हमने छींकने के समय इस्तेमाल किया होता है उसे भी दूसरों के संपर्क में न आने देने।